और गावे गुण गोपाल राम करी है सो। चिंता नहीं संसार की, लगा प्रेम का रंग और राम भरोसे छिप रहे अच्छा सी ठाण। अब कबीर जी तो बैठा कर वो जाओ कहीं महाराज, अब की बार बिल्कुल गहन यमुना जी के किसी घनघोर कुंज में जाके छिप गए, बैठे रहो। अब ये पंडा लोग बैठे, अब आए सवेरे से संध्या हो गई, कबीर जी लौटे नहीं। अब तो महाराज इन पंडाओं को लगा कहीं चकमा दे के तो नहीं चला गया कबीर हमको, अब क्या किया जाए। तब तो कोई कोई इनमें से कबीर जी को गारी देने लग गया, भला बुरा कहने लग गया। अब कबीर जी तो सुन नहीं रहे थे, कबीर जी तो बहुत दूर थे। अब भगवान को फिर पीड़ा, औ चक करुण पुकार सुनी चौंक उठे रण छो। अपुनि पुनि पूछे रुक्मणी परो कौन पैजो, परो कौन पैजोर नात औचक अकुलाने, और कौन भक्त पर भीर कौन विद धीर धरा। सेवा हमारे योग्य हो ये तो हम निपटा में, कौन भक्त पर भीर कौन विद धीर धरा। पे धीर धुरीन अधीर भय यह अचरज अति पुनि पुनि पूछत रुक्मणी परो कौन बैजो। फिर श्री जी ने पूछा, नाथ किसके ऊपर जोर पड़ा। ठाकुर जी ने कहा फिर मेरे कबीर पर जोर पड़ा है। अब जा करके छिप करके बैठ गए और पंडा लोग उनको भला बुरा कह रहे हैं, और यदि अब नहीं जाता हूं तो मेरे कबीर के नाम के ऊपर बात आएगी। बोले प्रभु इन ब्राह्मणों को सद्बुद्धि दे दीजिए जो ये उठ करके चले जाएं। बोले नहीं, ब्राह्मण दरवाजे पे आए हैं तो खाली नहीं भेजूंगा। जैसे माँ बाप अपने बच्चे के मंगल के लिए दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, बच्चे के हाथ से कुछ दिलवाते हैं और फिर उससे बच्चे को आशीर्वाद मिलता है तो माँ बाप प्रसन्न होते हैं, आज इसी प्रकार के संबंध का निर्वाह करने के लिए भगवान ने कहा मैं ब्राह्मणों के पास जाऊंगा और ब्राह्मणों को विपुल संपत्ति दान करूंगा और फिर ब्राह्मण प्रसन्न होकर के मेरे कबीर को आशीर्वाद देंगे तो मेरा कबीर स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा और उसकी प्रतिदिन भक्ति आनंद पूर्वक बढ़ेगी। सो भगवान ने अब फिर ब्राह्मणों पर कृपा करी। अब की बार भगवान ने फिर, पिछली बार तो व्यापारी का रूप बनाया था और अब के केशव बंजारा कबीर जी का रूप बना करके ही आया कि आया केशव बंजारा, आया केशव बंजारा। का धारा कबीर का धारा कबीर।
ठाकुर जी कबीर का रूप बना करके आ, फिर महाराज हजारों बैलों के ऊपर सामान लदा हुआ है, कितने वस्त्र, कितने अन्न, कितनी मोहर। और जैसे ही ब्राह्मणों ने आते हुए देखा कबीर जी को, अब देख लिया सामान है, पहले से ही आशीर्वाद देने प्रारंभ कर दिए, थोक के आशीर्वाद देने प्रारंभ कर दिए। कबीर जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले देखो ये ब्राह्मण देवता भी कितने भोरे होते हैं, अभी दिया नहीं लिया नहीं, तो आशीर्वाद की बाड़ इन्होंने पहले खोल दी। तब प्रसन्न होकर के कबीर जी ने सब सामान उतारा, सब ब्राह्मणों को प्रणाम किया। और उस समय भगवान ने अपने हाथों से एक एक ब्राह्मण को पांच पांच वस्त्र, इतने अन्न, इतनी दाल, इतना घी, और सबको पांच पांच स्वर्ण मुद्राएं बांटी भगवान ने। अब तो क्या कहना हमारा, बड़े बड़े मठों के जो महंत थे, जो निकलते नहीं थे मठों से, वे भी भागे कि चलो भाई कबीर जी के यहां से लेकर के आए। और तब तो आनंद पूर्वक भगवान ने जितने भी काशी के ब्राह्मण विद्वान पंडा लोग थे सबको सम्मानित किया। अब धीरे धीरे पंक्ति कम होने लगी। इधर भगवान ने सोचा कि सब ब्राह्मण लोग तो चले गए, लेकिन कबीर जी अभी तक छिपे हुए हैं, अब उनको तो पता नहीं, अब पता चला भूखे प्यासे कई दिन तक वहां बैठे रहेंगे और शायद महीना दो महीना ना इन पंडाओं के डर से, तो क्या किया जाए। तो भगवान ने एक रूप से तो ब्राह्मणों को समान बांटा, और भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप बनाया, और ब्राह्मण का रूप बना करके धीरे धीरे जहां कबीर जी छुपे थे, भगवान तो जानते ही कहां छुपे हुए हैं, अब भगवान ब्राह्मण के वेश में उधर को ही जाने लगे। इधर कबीर जी तो बहुत सतर्कता से छिपे हुए थे, उनको दूर से कोई ब्राह्मण आता दिखाई दिया, कबीर जी ने कहा ले इन ब्राह्मणों को, का जजमानों की सुगंध आ जाती है, कितने नितांत निर्जन में छिपा हुआ हूं और यहीं चले आ रहे। फिर सोचा कि शायद कहीं और जा रहे हो, इनको क्या पता मैं झाड़ में छुपा हुआ हूं। और निकट आए, कबीर जी ने और सिर नीचे झुका लिया, जमीन में धसे जा रहे हैं, सोचा शायद साथ में से निकल करके जा रहे हो, लेकिन वो तो वहीं खड़े हो गए आकर के, कबीर जी ने और अपने आप को छुपाया। तब भगवान ने छुपे हुए कबीर जी को कहा, अरे भैया कौन है जो इस झाड़ के नीचे छिपा हुआ है। कबीर जी ने कहा कोई नहीं कोई नहीं। अरे भैया यहां बैठ के क्या कर रहा है, तो कहां जाऊं। बोले दौड़ो द्वार कबीर के, कबीर के दरवाजे पे दौड़ के जाओ। भगवान कबीर जी को ही ये बात कह रहे हैं, दौड़ो द्वार कबीर के तनिक न करो अबेर। बोले क्या हो रहा है कबीर के दरवाजे पे। बोले जो कोई पहुंचे द्वार पे दीत अढ़ाई से, जो कोई भी दरवाजे पर पहुंचता है उसको एक शेर चावल देते हैं, एक शेर दाल देते हैं, एक लोटा घी का देते हैं, और इतनी स्वर्ण मुद्राएं देते हैं, वस्त्र अलग देते हैं। ये कह करके भगवान तो चले गए, और कबीर जी ने झुरमुट में बैठ करके जब इसको सुना तो उनको लगता है फिर प्रभु लीला कर गए। और उस समय महाराज झुरमुट से निकल करके बाहर आए हैं, देखा है महाराज कितने ब्राह्मण आशीष देते करके जा रहे हैं, बड़ी लोई प्रसन्न हो रही हैं, और बड़े महाराज उनकी माँ प्रसन्न हो रही हैं। श्री कबीर जी पहुंचे और माँ से कहा, माँ ये सब क्या है। बोले कबीर बेटा तू कहाँ चला गया था, सब लोग कह रहे थे, पुनः सब ब्राह्मण मिलने को आशीष देने के लिए आए थे, तेरी पूरी काशी में जय जयकार हो रही है, माँ क्या हुआ। बोले बेटा तू ही तो इतना धन लेकर के आया था, हर ब्राह्मण को तूने इतना इतना अन्न, इतना इतना वस्त्र, इतनी इतनी स्वर्ण मुद्राएं दी। कबीर जी ने कहा, माँ मैं तो उन ब्राह्मणों को बहला करके कहीं गंगा जी के किनारे छिपा हुआ था, मैं किसी को कुछ लेकर के नहीं आया, मैंने किसी को कुछ नहीं दिया। नीमा कहती है, मेरे सामने तूने सबको सब कुछ बांटा है। अब कबीर जी को समझते देर नहीं लगी, चित्कार मार के रोने लगे हैं, आंगन में लोटपोट होने लगे हैं, हा रघुनाथ, हा श्री राम, हा गुरुदेव, हा गोविंद, छल गया छल गया छल गया, फिर छलिया छल गए, हे नाथ मेरे कारण कितना कष्ट उठाओगे, कृपा करो कृपा करो कृपा करो। जा करके पंडाओं को कबीर जी ने बताया, आप जिनको कबीर समझ रहे थे वे कबीर नहीं थे, आपको दर्शन देने के लिए रघुवीर ही कबीर बन करके आए। अब तो महाराज पूरी काशी में जय जयकार हो गई है, अब तो कितने कितने भक्त
श्री कबीर जी का दर्शन करने के लिए आने लगे। श्री कबीर जी कुटिया पर बैठते हैं, योग क्षेम की चिंता नहीं है और बस बैठ करके दोहों का लेखन करते हैं, शब्दी साखी रमेनी का लेखन करते हैं और बहुत दिव्य सत्संग करते हैं। कितने कितने लोगों की भीड़ बढ़ रही है। इधर उस लगातार बढ़ती हुई भीड़ से कबीर जी के भजन में विघ्न होने लगा। लोग चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं, लोगों को निश्चय हो गया कि कबीर जी के पास तो कोई चमत्कार है, ऐसे तो दरिद्री बने रहते हैं और जब बांटना शुरू करते हैं, देना शुरू करते हैं तो पता नहीं कितने भंडार भरे हों। अब क्या किया जाए। तब तो महाराज कबीर जी ने सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना प्रारंभ किया कि भैया मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये जो कुछ है रघुनाथ जी की लीला है, न मेरे से आप कुछ मांगने के लिए आओ, न मेरे से कुछ पूछने के लिए आओ। यदि आपको भगवत संबंधी जिज्ञासा है, उपासना संबंधी जिज्ञासा है तो अवश्य आप पूछ सकते हैं, बाकी कोई सांसारिक प्रश्न लेकर के मेरे पास नहीं आओ। और आप मुझे धनवान कहते हो, भैया मेरी समझ में गरीब और धनवान की परिभाषा कुछ और है। बोले क्या परिभाषा है। बोले कबीरा सब जग निर्धना अधनवंता नहीं को, अधनवंता सोई जानिए राम धनी जाके हो। मेरी समझ में असली धन श्री राम जी का नाम है और उस समय समस्त वैष्णवों को श्री कबीर जी ने शिक्षा दी कि भजो रे भैया राम गोविंद। साधन कछु नहीं लागत,
भरी भजोरे भैया कबीर दास जी सबको सत्संग देते हुए विराजमान हैं। अब कैसे कैसे उनके जीवन में और कठिन परीक्षाएं होंगी और कैसे श्री कबीर दास जी सारी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करते हुए पूरे भारतवर्ष में नाम की अलग जगाते हुए रूढ़िवादिताओं के ऊपर, अंधविश्वास के ऊपर, जो उपासनाओं में सकाम लोगों के द्वारा दोष उत्पन्न हो गए थे, उन दोष का निवारण करते हुए श्री कबीर दास जी सारे जगत का कल्याण करेंगे। सो आगे की कथा को कल श्रवण करेंगे साय 6:30 बजे से। कल भी श्री कबीर दास जी का पावन चरित्र होगा। अभी आवश्यक सूचना श्रवण करके फिर आप आरती का दर्शन करके प्रस्थान करिएगा। आप सबको ज्ञात है कि यहाँ बहुत सुंदर रूप में श्री निताई और हरि संकीर्तन मंडल के वैष्णवजन, जिसमें जगदीश नारंग जी, सचिन जी, भानुदास जी, गुलाटी जी, अस्पताल वाली माता जी, बाऊ जी और सब के पावन सहयोग से, आप सबके सहयोग से ये सुंदर कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और इसके साथ एक और संकल्प है, श्री वृंदावन धाम में आश्रम का निर्माण कार्य। आश्रम का निर्माण कार्य किसी अन्य उद्देश्य से नहीं है। उस आश्रम के निर्माण का उद्देश्य कोई होटल बनाना नहीं है, कोई गेस्ट हाउस बनाना भी नहीं है। एक ऐसा स्थान जहाँ पर वैष्णव लोग निवास करके उपासना कर सकें, सुंदर रूप में गौ सेवा संपन्न हो पाए, ठाकुर सेवा संपन्न हो पाए, नाम सत्संग सेवा संपन्न हो पाए, साधु सेवा संपन्न हो पाए, अतिथि सेवा संपन्न हो पाए। श्री पंडित गया प्रसाद जी कहते कि जहाँ मरने के पश्चात जाना है वहाँ जीवित ही क्यों नहीं जाया जाए। तो श्री वृंदावन धाम वो स्थान है, वैष्णव की मरने के बाद भी वृंदावन ही गति हैं और जीते जी भी वृंदावन गति हैं। तो ऐसा स्थान जहाँ पर आप हम सब बैठ करके सत्संग लाभ कर सकें, उपासना कर सकें, जो धामवास करना चाहते हैं उनको धामवास करने का सुयोग सौलभ्य प्राप्त हो, इस उद्देश्य से ही आश्रम का निर्माण कार्य हो रहा है। उसमें जो भाई बहन सहयोग प्रदान कर रहे हैं उन सबके लिए प्रणाम है, ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना है। सबको प्रभु सद्बुद्धि प्रदान करें। पर कथा का सबसे प्रधान लक्ष्य भगवान नाम में प्रीति प्रदान करना है, प्रधान लक्ष्य यही है। आश्रम निर्माण का कार्य गौण उद्देश्य है, सबसे प्रधान उद्देश्य, प्रधान लक्ष्य यही है कि भक्तमाल की कथा श्रवण करते हुए हमारे आपके सबके हृदय में ये जो भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुवेक, ये जो सिद्धांत है नाभाजी का कि भक्त भक्ति भगवान और गुरु ये चारों अभेद हैं, ये चारों परस्पर एक हैं, ये सिद्धांत हमारे हृदय में प्रकाशित हो। यदि हम भजन करते हैं तो भजन पथ में अग्रसर हों, यदि हम में से कोई नहीं करता है तो करने लगे। जो वैष्णव बन चुके हैं वे और भजन पथ में अग्रसर हों, जो वैष्णव नहीं हैं वे वैष्णव बने। और चहूँ और कृष्ण भक्ति का, भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार हो, कथा का प्रधान उद्देश्य यही है। सत्संग कथा का प्रधान उद्देश्य यही है, उसके साथ आश्रम निर्माण का कार्य भी चल रहा है। तो उस और भी वो आप ही का स्थान है, आप ही सबकी सेवा के लिए तैयार हो रहा है, तो उसमें भी आप अपना सेवा समर्पित कर सकते हैं। और कथा विश्राम वाले दिन सुबह श्री हरिनाम ग्रहण करने की व्यवस्था भी यहीं रखी गई है, सुबह 10 बजे से 11 बजे तक।
अनेक भाई बहन पूछते हैं कि क्या लाना होता है, क्या करना होता है। कुछ नहीं लाना होता, हरिनाम ग्रहण करने की कोई फीस नहीं होती, न तो हरिनाम ग्रहण करने का कोई मूल्य दे सकता है और ना हरिनाम ग्रहण करने का कोई मूल्य ले सकता है। नाम तो अमूल्य है। बस हृदय की ये भावना कि अब जितना भी जीवन बचा है वो श्री कृष्ण के लिए है, श्री कृष्ण भक्ति के लिए है, सेवा के लिए है, ये भावना ही हरिनाम ग्रहण करने की योग्यता है। और नियम आप सब जानते ही हैं कि प्याज लहसुन का व्यवहार त्यागना होगा और फिर कंठी धारण करते हुए, हरिनाम का जप करते हुए, कृष्ण भक्ति करते हुए अपने जीवन का कल्याण करना है। और परसों कथा का विश्राम होगा और सत्संग टीवी चैनल पर भी प्रसारण चल ही रहा है। प्रसारण प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से 6:30 बजे तक आता है, तो टीवी पर बैठ करके भी जो भाई बहन कथा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं उन सबको भी साधुवाद है, हमारा प्रणाम है। और आप सबसे भी यही निवेदन है कि आप सब खूब भक्ति कीजिए, खूब भजन कीजिए। कलयुग में और कोई साधन नहीं है, कथा का फल यही है कि हमारी भक्ति की यात्रा और तीव्र हो, हमारा भजन और तीव्र हो, हम देखें कि हमारी मंजिल कितनी दूर है और हम कहाँ खड़े हैं, इस चाल से हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे। हमारी गुरु निष्ठा प्रबल हो, नाम निष्ठा प्रबल हो, धाम निष्ठा प्रबल हो, संत निष्ठा प्रबल हो और इस मार्ग पर निरंतर अग्रसर होते हुए हम अपने परम चरम लक्ष्य श्री राधा गोविंद के चरण कमलों की प्रेममयी सेवा को प्राप्त कर पाएं, यही उद्देश्य इस कथा का है। तो टीवी चैनल के माध्यम से भी जो कथा देख रहे हैं उन सबको भी प्रणाम है, बहुत बहुत स्नेह है, साधुवाद है। तो अभी आवश्यक सूचना श्रवण करिएगा और फिर आरती का दर्शन करके प्रस्थान करेंगे। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम। व्यासपीठ पे विराजमान परम पूज्य परम श्रद्धे गुरुदेव श्री गौरदास जी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। जैसा कि अभी महाराज जी ने बताया कि इस कथा के साथ एक बहुत सुंदर संकल्प उद्देश्य जुड़ा हुआ है, तो जिन भक्तों ने इस आश्रम में सहयोग प्रदान किया है उनके नाम यहाँ से घोषणा की जा रही है और उनसे निवेदन करते हैं कि वो व्यासपीठ पे पधार कर पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमती मधु सिंगल एवं श्री पवन सिंगल जी C84 लोहिया नगर से यहाँ विराजमान हैं, तो उनसे निवेदन करते हैं वो व्यासपीठ पे पधारें, पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। आपने आश्रम में कमरे के निर्माण हेतु 2,51,000 रुपये की राशि प्रदान की है, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत किया जाए। और आपसे निवेदन करते हैं व्यासपीठ पे पधारें श्रीमती मधु सिंगल जी, श्री पवन सिंगल जी, 2,51,000 रुपये सहयोग प्रदान किया है, व्यासपीठ पे पधार कर पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री राकेश शर्मा जी B101 अशोक नगर गाजियाबाद से आपने 11,000 रुपये का सहयोग प्रदान किया है, आप श्री को साधुवाद है। अगर आप यहाँ विराजमान हैं तो व्यासपीठ पे पधार कर पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री राम भूल जी गुकना गाजियाबाद से आप भैया प्रसाद की सेवा देखते हैं, बहुत सुंदर जितना भी आज सब प्रसाद की सेवा है ये रामभूल भैया द्वारा ही की गई है, तो आपने 11,000 रुपये का सहयोग प्रदान किया है, जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत किया जाए। श्री पंकज मलिक जी चिरंजीव विहार गाजियाबाद से आपने 5100 रुपये का सहयोग प्रदान किया है, आप श्री से भी निवेदन करते हैं व्यासपीठ पे पधार कर पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री राकेश भाटी जी सूर्य अंकलेव लाल कुआ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आपने भी 7100 रुपये का सहयोग प्रदान किया है, आप श्री को वंदन है और आप श्री से भी आग्रह करते हैं व्यासपीठ पे पधार कर पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। एक बार सभी भक्तों के लिए जिन्होंने सहयोग प्रदान किया है जोरदार ताली बजाकर स्वागत किया जाए। जैसा कि हमको विदित है यहाँ श्री अग्रसेन भवन लोहिया नगर गाजियाबाद में 7 दिवसीय दिव्य श्री भक्तमाल कथा का आयोजन श्री निताय गोरहरी संकीर्तन मंडल के भक्तों द्वारा किया गया है और उसके साथ ये आश्रम का उद्देश्य भी जुड़ा हुआ है। तो जिन भक्तों ने, जो भक्तजन सत्संग टीवी चैनल के माध्यम से इस कथा का रसपान कर रहे हैं, वे अगर पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में बन रहे आश्रम में सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो पूज्य महाराज श्री की संस्था के नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन नंबरों पर
संपर्क स्थापित कर सकते हैं या कोई जानकारी भी प्राप्त करना चाहते हैं तो उन पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप पूज्य महाराज श्री से व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से जहाँ भी कथा होती हैं वहाँ की ऑडियो एवं वीडियो क्लिप मोबाइल के माध्यम से भेजी जाती हैं, तो नीचे स्लॉट में व्हाट्सएप के नंबर चल रहे हैं, उन पर आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं, महाराज श्री से व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। और जैसा कि महाराज जी ने बताया, प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक इसी श्री अग्रेसन भवन लोहिया नगर गाजियाबाद में श्री हरिनाम दीक्षा का कार्यक्रम रखा गया है। तो जो भक्तजन हरिनाम लेने के इच्छुक हैं, कुछ यहाँ पर कह भी रहे हैं और बहुत भक्तों के फ़ोन भी आ रहे हैं, शब्द नहीं है उनके कहने के लिए। जिसका भी फ़ोन आता है तो पहला शब्द यही बोलता है कि ऐसी कथा भैया जी हमने नहीं सुनी, भैया हम भी बड़े भागी हैं हमने ही नहीं सुनी, भैया बड़ी अद्भुत कथा, बहुत तारीफ करते हैं, शब्द नहीं बचते। जर्मनी से फ़ोन आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन आ रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से फ़ोन आ रहे हैं, सब बहुत प्रभावित हो रहे हैं कि भैया जी महाराज जी अभी तक कहाँ थे, ऐसी दिव्य कथा, बहुत आनंदित हो रहे हैं, हम बड़े भागी हैं भैया, ऐसी कथा कहाँ है, हम बड़े भागी हैं। तो जो भक्तजन हरिनाम दीक्षा लेने के लिए आग्रह कर रहे हैं, एक यहाँ 6 अगस्त को प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक पूज्य महाराज श्री द्वारा हरिनाम दीक्षा दी जाएगी, तो यहाँ पधार कर हरिनाम दीक्षा लेकर कृष्ण भजन करते हुए अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। और पूज्य महाराज श्री की अगर आप पूज्य महाराज श्री का अगर आप नगर व शहर में आगमन चाहते हैं या पूज्य महाराज श्री की सीडी एवं बीसीडी प्राप्त करना चाहते हैं तो नंबरों पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। यहाँ भी जो भक्तजन बैठे हैं वो बाहर कार्यालय की व्यवस्था की गई है, संस्था के भक्तजन वहाँ विराजमान हैं, उनको अपना सहयोग प्रदान कर राशि प्राप्त प्रदान कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। तो यही सबसे विनम्र है और यहाँ आज कथा विश्राम हो रही है।